नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्ट इंडीज के बीच T20 विश्व कप का मुकाबला खेला गया था, मगर मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मिलकर अपने घुटने पर बैठकर नस्लवाद और रंगभेद के खिलाफ एकजुट होकर विरोध किया और ब्लैक लाइफ मैटर अभियान को बढ़ावा दिया। मगर दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने पिछले मुकाबले में निजी कारणों का हवाला देते हुए इस अभियान से किनारा कर लिया था। ऐसा माना जा रहा है कि उनके इस अभियान में शामिल ना होने का कारण है कि वो ब्लैक लाइफ मैटर्स मामले में टीम की राय से इत्तेफाक ना रखते हुए खुद को अलग किया। मगर अब उनकी इस हरकत से दक्षिण अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड खुश नहीं है और अब क्विंटन डिकॉक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड ने उनके इस फैसले को अनुशासितहीन के तौर पर माना है और क्विंटन डिकॉक को इस मामले पर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा है। बता दें कि क्विंटन डिकॉक को इस पूरे ही विश्व कप में खेलने की इजाज़त ना मिले और शायद टीम से बाहर भी किया जा सकता है, जिससे अब उनका दक्षिण अफ्रीका की टीम में भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। इस मामले में बात करते हुए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने बयान में कहा कि विश्व कप में कई अन्य टीमों ने इस मुद्दे के खिलाफ लगातार रुख अपनाया है और बोर्ड को लगा कि सभी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही करने का समय आ गया है। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष लॉसन ने कहा कि नस्लवाद पर काबू पाने की प्रतिबद्धता वो गोंद है जो टीम को एकजुट करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर क्विंटन डिकॉक अपनी क्या सफाई पेश करते हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।